बिहार में बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य की नीतीश सरकार ने 92,000 युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 16 करोड़ 12 लाख रुपए जारी किए हैं। योजना एवं विकास विभाग ने पिछले दिनों चयनित युवाओं के लिए सहायता राशि आवंटित करने पर सहमति प्रदान की थी। दरअसल सूबे के बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश में आर्थिक सहायता देने के लिए 2 अक्टूबर 2016 से मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की गई। स्वयं सहायता भत्ता योजना में राज्य सरकार 20 से 25 साल के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के मौके तलाशने के लिए 1,000 रुपए प्रति महीने की दर से आर्थिक मदद देती है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 2 साल के लिए दिया जाता है। विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत जुलाई महीने के लिए 92,561 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। परफेक्शन IAS सिविल सेवा BPSC UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि हमने 92,000 युवाओं को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत सहायता राशि देने का फैसला लिया है। ये उनको रोजगार तलाश करने में मदद करेगा। इसी क्रम में आपको बताते चले कि सबसे अधिक स्वयं सहायता बेरोजगारी भत्ता जिन जिलों के युवाओं के लिए है उसमें सारण सबसे पहले और दूसरे स्थान पर सिवान है, जबकि तीसरे स्थान पर गोपालगंज है। इन जिलों में क्रमशः 14,164, 9,585 और 5,559 युवाओं को लाभ मिलेगा। सबसे कम लाभ लेने वाले जिले में पूर्णिया, कैमूर और शेखपुरा का स्थान है। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाइए और द बिहार टॉप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।